अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिल जाता है। मस्जिद महल वो जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिल जाता है। वहाँ यहाँ पे जो मज़ा यहाँ मस्जिद में बैठने का है, शायद वो किसी चीज़ में नहीं है। इतनी खुशी तो जो दिल सुकून मिलता है शायद वो यहाँ से ही मिलता है। सो हमेशा मस्जिद में जाया करो, थोड़ा सा टाइम बैठा करो और अल्लाह को याद करो और तन्हाई में बैठो। जो आपका जो भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे खूबसूरत जगह है हमारे लिए। और इंशाल्लाह, और मैं अपने भाइयों को ये भी कहना चाहूँ कि यहाँ पे देखो लोगों के लोग खुशी से मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यही खुशी होती है जुमे के दिन। ये सब लोग खुश होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब को यही उम्मीद है कि हम लोग सब मस्जिद में जब भी जाएं तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो, सिर्फ बैठो, अलग अपने लिए बैठो, और यही टाइम होता है अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए। ये सबसे अच्छा ज़रिया है, मैं समझता हूँ। वो सुकून भी यही मिलता है। और मैं टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे जो मैं कमेंट पढ़ रहे हैं वो यूएसएल के फाइनल की बात कर रहे हैं कि यूएसएल के फाइनल के बारे में बताओ। Which team do you support in your final match, 3-2 or 3-2? कोई बंदा कहता है कि कौन सी टीम आप USL में सपोर्ट करते हो। मैं मस्जिद में बैठा हूँ और मैं फुटबॉल के बारे में बात करूँ तो बहुत बुरी बात है। हम यहाँ पे आए हुए टीम की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, आप लोगों ने फुटबॉल में बात नहीं की। मैं पूरा मौलवी सब बन गया हूँ। ये मेरी टोपी देखो, ये बिल्कुल दीन की तरफ आया हूँ। सो इंशाल्लाह रमज़ान में देखूँगा, आप लोग सब भी मौलवी साहब बने होंगे। कुछ लोग रमज़ान के मुसलमान होते हैं, कुछ जुम्मे के मुसलमान होते हैं। زما پښتنو ورونو دوستانو، تاسو څنګه یاست؟ تاسو سلامت اوسئ، تاسو خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ژوندی اوسئ او تاسو همیشه په خپله آپس کې مینه او محبت وساتئ. زموږ پښتانه باندې زه ډېر فخر کوم، که چیرې په امریکا کې، که چیرې په هر ملک کې ما چرته لیدلی، هغه ضرور د پښتانه په نامه باندې د یو بل سره ډېره مینه کوي. بای دا شی زموږ دپاره هم د پخ خبره ده، او په دې شي باندې موږ ډېر دغو چې چېرته پښتانه سره میلاو شي هغه ډېر په مینه سره میلاوي. چا چې هغه د کم ښار سره تعلق لري، د کمې صوبې سره تعلق لري، په کم ملک کې، لیکن چې کم وخت سره میلاو شي هغه ډېر ښه وي. سو ډېره مننه ستاسو پښتنو ټولو ورونو، او ستاسو همیشه سپورټ کوي د پښتنو. اور پښتو خو همداسې تاسو ته وویله، ټوله
French mein baat hi speak Urdu kar rahi hai. Okay. So कुछ लोगों से पश्तो समझ नहीं आ रहा, कुछ को उर्दू समझ नहीं आ रहा, कुछ को इंग्लिश समझ नहीं आ रहा. अब कोई कोई कहता है स्पेनिश में बात करो. स्पेनिश में थोड़ा सा दो तीन अल्फाज मुझे समझ आते हैं कि वो है कामस दस बीन. सो ये थोड़े से अल्फाज आते हैं. आवाज़ सही नहीं आ रहा है क्या, क्या मसला है? लेकिन ये कि मैं मस्जिद में बैठा हूँ, सारे लोग निकल गए हैं, सारे लोग निकल गए और सिर्फ मैं रह गया हूँ. तो मैं चाहता हूँ मैं भी निकलूँ, तो अच्छी बात है. अस्सलाम वालेकुम. इंशाल्लाह फिर आप उनसे कल बात होगी. फाइनल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि लाइफ दिखाऊँ आप उनसे. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम.